हेलो एवरीवन, आज का रेसिपी होने वाला है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। ये है स्पाइसी पाइनएप्पल फ्राइड राइस, जिसे आप बना सकते हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी रहेगा, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले देसी घी के अंदर हमने डालना है लहसुन, ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को अच्छे से गोल्डन करेंगे। फिर हम डालेंगे इसी में प्याज और उसे भी सॉटर करेंगे। जस्ट गोल्डन करना है हमने, बहुत काला या ब्राउन नहीं करेंगे। साथ में डालेंगे हरी मिर्ची। मेरे पास टेट्रा पैक था पाइनएप्पल जूस का, तो मैंने 300 ml पानी डालना था, तो मैंने 150 ml पानी लिया और 150 ml जूस डाला है। नहीं है तो आप सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे सॉल्ट, पेपर, भुना हुआ ज़ीरा और गार्लिक चिली चटनी। आपके पास है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो स्केजवान भी डाल सकते हैं, अपनी मनपसंद से कोई भी डाल सकते हैं। फिर आधा घंटा भीगा हुआ और स्ट्रेंड मैंने लिया है चावल, इसे डालेंगे और बिल्कुल कम सेक पे ढक के हम इसे पकने के लिए रख देंगे। फिर हमने लेना है एक पैन, जिसके अंदर हमने बिल्कुल कम सेक पे मूंगफली को भून लेना है देसी घी के अंदर। याद रखिए, ये बहुत ही जल्दी एकदम से कलर बदल देती है मूंगफली। इसे अलग निकाल देंगे, सेम पैन के अंदर सॉटर करेंगे हम हमारा पनीर सॉल्ट एंड पेपर के साथ। इसे निकाल लेंगे, फिर हम सॉटर करेंगे पाइनएप्पल क्यूब, साथ में सॉल्ट, पेपर, हल्का सा मिठास के लिए चीनी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चिली गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें भी डाला था, थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए। फिर हम चावल को चेक करेंगे, जब बिल्कुल 1 से 2 मिनट की कसर रह जाएगी हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने ये सॉल्टेड मूंगफली, पनीर और पाइनएप्पल। ढक के फर्दर 1 से 2 मिनट पकाएंगे और डालेंगे हम मिंट लीव्स भी, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। नहीं है तो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं इसकी जगह, साथ में ही सोया सॉस भी। होप सो फ्रेंड्स, इंजॉय किया है आज का वीडियो, डिफरेंट लगा है, पसंद किया है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बेल आइकन नीचे क्लिक करेंगे तो आने वाली मेरी वीडियोज़ के लिए नोटिफाइड रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।